जवाब दो जवाब दो महाराष्ट्र सरकार 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 जवाब दो 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 शरद पवार जवाब दो जवाब दो जवाब दो शरद पवार जवाब दो जवाब दो जवाब दो कांग्रेस सही जवाब दो जवाब दो जवाब दो उद्धव ठाकरे जवाब दो 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 शरद पवार जवाब दो जवाब दो जवाब दो कांग्रेस शाही जवाब दो जवाब दो जवाब दो उद्धव ठाकरे जवाब दो जवाब दो महाराष्ट्र नेता जवाब दो महाराष्ट्र नेता जवाब दो जवाब दो जवाब दो नेता जवाब दो जवाब दो जवाब दो जवाब दो जवाब दो जवाब बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स जो है चरम सीमा के ऊपर है और कोई जवाब देने का प्रयास नहीं करना चाहता। अरे बॉलीवुड के इतने लोग पकड़े जा रहे हैं और बड़े महान नेता जिन्होंने मिलकर के सरकार बनाई हुई है वो चुप्पी साध करके बैठे हुए हैं। आज जया बच्चन जी पार्लियामेंट के अंदर क्या बोलती हैं? वो कहती हैं कि थाली के अंदर जिस थाली के अंदर खाते हो उस थाली के अंदर ही खराब करने का प्रयास करना चाहते हो। लेकिन मैं उन शब्दों को इस तरह से कहता हूं, जिस थाली के अंदर ड्रग्स हैं उसके अंदर छेद करने का प्रयास मत करो। जो भी ड्रग्स को लेकर के शामिल होने वाले लोग हैं उनका पर्दाफाश होना चाहिए, सरकारों को खड़े होना चाहिए। धन्यवाद करना चाहता हूं सीबीआई का जिसने सारे स्कैंडल को पकड़ा है और नारकोटिक्स विभाग ने इसको आगे ले जा करके अमली जामा पहनाने का प्रयास करा है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो ड्रग्स का एक बहुत बड़ा गोरख धंधा चल रहा है उसके विषय के अंदर भी डायरेक्टर जनरल पुलिस और नारकोटिक्स विभाग को कहना चाहता हूं एक इंक्वायरी होनी चाहिए और उन लोगों को पकड़ करके जेलों के अंदर बंद करना चाहिए। और महाराष्ट्र सरकार उसमें उद्धव ठाकरे जी उसमें शरद पवार जी उसमें कांग्रेस के लोग चुप्पी साध करके क्यों बैठे हुए हैं? अरे वो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना जो इस तरह के लोगों को उखाड़ करके फेंकने की बात करती थी लेकिन आज चुप्पी पूरे देश के अंदर जो फैल करके आप कुछ कहने का प्रयास करना चाहते हैं वो चुप्पी के विषय के अंदर शामिल हो गई है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं ड्रग्स के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उन लोगों को पकड़ करके जेलों के अंदर बंद करना चाहिए। धन्यवाद आपका।